हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीएस वनडे से। प्रेडिक्शन में हम बात करने वाले हैं मेरा T20 मैच की, जो कि इस सीरीज का फाइनल मैच है। यहाँ ये इस सीरीज का फाइनल मैच है जो कि अबू धाबी और दुबई के बीच में होने वाला है 31 अक्टूबर को रात के 9 बजे। वेदर की बात की जाए तो बरसात होने के कोई चांस नहीं है। वेन्यू आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो बैलेंस विकेट है। फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है 145 का है। और एबीडी के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कमल नट्टा इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगे। और अब तक के इनके परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो 43-0-2-7-17 एक मैच खेले नहीं, 21-46-62-7-0 की ये अब तक इन्होंने इनिंग खेली हैं। लास्ट मैच के दो मैचों में कुछ खास इनिंग रही हैं। सेकंड लास्ट मैच में ये 7 पे और लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हुए, खाता भी नहीं खुला। इनके साथ ओपनिंग करेंगे रोहन मुस्तफ़ा, जो कि आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग भी दे रहे हैं बैकअप। 4 ओवर के पूरे ही अपने ओवर डालने हैं। इनके कुछ अगर परफॉर्मेंस पे नज़र डाली जाए लास्ट के कुछ मैचों पे तो आप देखेंगे 20 रन 4 ओवर विकेट नहीं, 11 रन 4 ओवर 1 विकेट, 49 रन 4 ओवर 1 भी विकेट नहीं। और लास्ट मैच में इन्होंने 13 रन बनाए हैं, 4 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला है। नेक मोहम्मद की बात की जाए और इनके परफॉर्मेंस की तो 44-21-6 फिर एक मैच ये खेले नहीं हैं, 1-7 फिर 2 मैच नहीं खेले हैं, उसके बाद फिर 3 मैचों में 22-8-21 की इनिंग रही है इनकी। अली जावेद की बात की जाए तो काफ़ी मैच नहीं खेले हैं लास्ट के, अगर कुछ मैचों की बात की जाए तो 12 एक मैच इसके बाद के मैच खेले नहीं, फिर 17 फिर 2 मैच नहीं खेले और लास्ट के मैच में ये खाता भी नहीं खोल सके। मोहम्मद नदीम की अगर बात की जाए तो इनके लास्ट के कुछ मैचों की जिनमें 16-4 ओवर विकेट नहीं, फिर एक मैच खेले नहीं, 28-4 ओवर 1 विकेट, फिर एक मैच नहीं खेले हैं, माफ़ी चाहें फिर 2 मैच नहीं खेले लगातार, और लास्ट का जो मैच खेले हैं उसमें 24 रन 4 ओवर और 1 विकेट मिला है इनको। शायद आज भी ये मैच ना खेलें। मोहम्मद नदीम, शेहान दिलशान की बात करें तो आप देखेंगे शुरुआत के 3 मैच नहीं खेले हैं, उसके बाद 1 मैच खेले हैं, फिर 2 मैच नहीं खेले हैं, और उसके बाद के मैचों में इनकी परफॉर्मेंस जो है 4-2-2-33-12 की रही है, कुछ खास पिक नहीं है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसामा शाह की बात की जाए उनके लास्ट मैचों की तो लास्ट के सेकेंड लास्ट जो मैच था उसमें इन्होंने 5 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले, और लास्ट मैच में इन्होंने 13 रन बनाए बैटिंग करते हुए, 4 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट निकाला है। तो लास्ट के कुछ मैच 2-3 मैचों से गेंदबाजी कर रहे हैं, इससे पहले 2 या 1 ही ओवर फेंके हैं, लेकिन लास्ट के जो सेकंड लास्ट मैच से इन्होंने 3 ओवर फेंके हैं और लास्ट मैच में 4 ओवर भी फेंके हैं। पृथ्वी की बात की जाए तो लास्ट के सेकेंड लास्ट में 3 मैचों की बात की जाए तो 5 रन 2 ओवर विकेट नहीं, और सेकेंड लास्ट मैच में 19 रन 2 ओवर 1 विकेट, लास्ट मैच में 7 रन बनाए, बॉलिंग नहीं किया। साफ फैजल की बात की जाए लास्ट के 3 मैचों की, अगर इनकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि 1 विकेट 4 ओवर फेंकते हुए, 1 मैच खेले नहीं है, और इसके बाद के 2 विकेट निकालें, 4 ओवर फेंकें जिसमें विकेट 2 मिले हैं, और लास्ट मैच में इन्होंने 14 रन बनाए हैं, 2 ओवर की बॉलिंग की है जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। जुबैर खान की बात की जाए तो काफ़ी शुरुआत है कुछ मैचों में 1 विकेट 4 ओवर 1 रन बनाया तीसरे मैच में जिसमें बैटिंग का मौका मिला, जल्दी आउट हो गए, 4 ओवर गेंदबाजी की विकेट नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने जो चौथा मैच खेला उसमें 1 विकेट 4 ओवर फेंकते हुए, उसके बाद इन्होंने लगातार 6 मैच नहीं खेले हैं, और लास्ट मैच में इन्हें मौका दिया गया जिसमें इन्होंने 1 रन बनाया है बैटिंग करते हुए, 4 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें इन्हें 2 विकेट मिले हैं। मोहम्मद मोहसिन की बात करें उनके लास्ट के 3 मैचों की बात करें तो 2 विकेट निकाले हैं 4 ओवर फेंकते हुए, सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट निकाला है 4 ओवर फेंकते हुए, और लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं सिर्फ 2 ओवर फेंके हैं, ओवर की कटौती हुई है इनके लास्ट मैच में। स्टार्टिंग ओवर आपके लिए लेके आते हैं रोहन मुस्तफ़ा, जुबैर खान, मोहम्मद नदीम, उसामा शाह। डेथ ओवर में आपको मिल जाएंगे बॉलिंग करते हुए शाह फैजल, मोहम्मद मोहसिन एंड जुबैर खान। इसके अलावा अगर इनकी टीम से किसी को पिक करने की बात की जाए तो कमरान नट्टा को ट्राई किया जा सकता है कि ओपनिंग कर रहे हैं तो ट्राई किया जा सकता है, इनको ही लेके चलना सही रहेगा, भले ही लास्ट के 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है,
लेकिन ओपनिंग कर रहे हैं तो इनको लेके चलना सही रहेगा। इसके साथ ही इनके साथ ओपनिंग करेंगे रोहन मिस्त्वा, कप्तान के सबसे अच्छे दावेदार। नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे नेक मोहम्मद, आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को ट्राई करना चाहते हैं अपनी टीम में तो शायद आज मोहम्मद नदीम ना खेलें। इसके अलावा आप साफ फैजाल, जुबेर खान और मोहम्मद मोहसिन को ट्राई कर सकते हैं। बेंच प्लेयर में अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो बेंच प्लेयर में इनको हो सकता है मौका मिल जाए। उजैर बच्चा, गुलजार गुलाम मुर्तजा एंड कसीम सज्जाद एंड जिया मुख्तार। इसके अलावा हम अपने दो की बात टीम की बात करें तो रईस अहमद ओपनिंग करते हुए मिल जाएंगे आपको इनकी टीम से। काफ़ी मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है लेकिन लास्ट के 2 मैचों से इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। आप देखेंगे लास्ट के 3 मैचों की अगर इनकी बात की जाए तो जल्दी आउट हुए एक जो लास्ट के 3 मैचों में, उसमें इन्होंने 2 ओवर फेंके, 1 विकेट निकाला। सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 76 रन बनाए, बॉलिंग नहीं की। और लास्ट मैच में इन्होंने 25 रन बनाए, बॉलिंग नहीं की। रौनक पनौली की बात करें और लास्ट के 3 मैचों की, तो 22 रन, 3 ओवर विकेट नहीं। सेकेंड लास्ट मैच में इन्होंने 4 ओवर की बनाए रन बैटिंग करते हुए, 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। और फिर उसके बाद इन्होंने 33 रन बनाए जिसमें इन्होंने बॉलिंग नहीं की। और लास्ट मैच में इन्होंने देखेंगे आप जल्दी आउट हो गए, 4 ओवर फेंके जिसमें विकेट 1 निकाला है। तैमूर अली की बात करें तो 6-39-1-1-1-16-0-9, फिर 2 मैच खेले नहीं, फिर 1 रन बनाया खेलते हुए, 1 मैच फिर नहीं ड्रॉप हुआ टीम से। और लास्ट मैच इन्हें खिलाया गया तो इन्होंने 20 रन बनाए। सफ़ीर तारिक की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन में मिल जाएंगे, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं। अगर इनके अब तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो 54-7-6-24-32-9-22-0-3-22-9 की इनिंग खेली है, कुछ खास नहीं किया है। शुरुआत के कुछ ही मैचों में अच्छी इनिंग खेली है, जैसे कि पहला मैच हो गया तो उसमें 54 की खेली, फिर चौथे मैच में इन्होंने 24 की खेली, फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने 32 की खेली। इसके अलावा सब इनिंग जो है 30 से नीचे की ही हैं। आप देखेंगे शाहिद नवाज लास्ट के कुछ मैचों के अगर इनके बात करें तो 14 रन, 2 ओवर विकेट नहीं, फिर 1 मैच ड्रॉप हुए, फिर लास्ट मैच में इन्हें खिलाया गया, 9 रन बनाए, 3 विकेट निकाले, 4 ओवर फेंकते हुए। केशव शर्मा की बात करें इनके कुछ मैचों की, 1 रन बनाया, 1 ओवर फेंका विकेट नहीं, फिर नेक्स्ट के 2 मैच ये कंटिन्यू नहीं खेले हैं, फिर लास्ट मैच में इन्हें मौका दिया मिला है, 17 रन इन्होंने बैटिंग करते हुए बनाए। शिवानी बाबा की बात करें तो लास्ट के कुछ मैचों की बात करें तो 7-32-22-8-0 की इनिंग रही है, कुछ खास पिक नहीं है, चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। शाहिद मुसैब की बात करें तो शुरुआत के 3 मैच इन्होंने खेले नहीं, उसके बाद के मैचों की परफॉर्मेंस की बात करें तो 9-1-23-0-36-4-0-7, कोई खास पिक नहीं, ड्रॉप कर सकते हैं आप। ऐमान अहमद की बात करें और लास्ट के इनके कुछ मैचों की बात करें तो आप देखेंगे कि सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट पर निकाले, 4 ओवर फेंकते हुए, और लास्ट मैच में इन्होंने 14 रन बनाए बैटिंग करते हुए, 3 विकेट निकाले, 4 ओवर फेंकते हुए। राहुल भाटिया की बात करें तो लास्ट के 2 मैचों की बात करें तो 4 ओवर फेंके जिसमें 1 विकेट मिला, और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला उसमें इन्होंने 13 रन बनाए बैटिंग करते हुए, 1 विकेट में निकाला, 4 ओवर फेंकते हुए। जस की बात करें, जस गियानानी, इन्होंने लास्ट के अगर 2 मैचों की बात करें तो 11 रन, 4 ओवर विकेट नहीं, और लास्ट मैच में इन्होंने 1 रन बनाया, 1 विकेट निकाला, 4 ओवर फेंकते हुए। स्टार्टिंग ओवर इनकी तरफ से फेंकेंगे रौनक पनौली, शाहिद नवाज, जस गियानानी और राहुल भाटिया। डेथ ओवर में आपको मिल जाएंगे ऐमान अहमद, राहुल भाटिया, शाहिद नवाज। बेंच प्लेयर में आपको मिल जाएंगे मयंक चौधरी एंड पुनिया मेहरा, वसीम अक्रम एंड योग शर्मा। इसके अलावा अगर इनकी टीम से किसी प्लेयर को लेने की बात की जाए तो रईस अहमद एंड रौनक पनौली मस्ट पिक हैं दोनों ही, क्योंकि रौनक पनौली तो ओपनिंग के साथ भले ही 1 मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने पूरे 4 ओवर फेंके हैं, और रईस अहमद ने लास्ट के 2 मैचों पर बॉलिंग नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आज फाइनल है तो आज बॉलिंग कराते हैं। वैसे भी बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं और टीम में रहेंगे तो हो सकता है कि आप टीम को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए इनसे बॉलिंग करा दी जाए। तो इनकी बॉलिंग के बैकअप को देखते हुए ये दोनों ही टीम में बनते हैं, रईस अहमद और रौनक पनौली। इसके अलावा शाहिद नवाज ऊपर भी बैटिंग करने आ रहे हैं,
और आपको बॉलिंग का ऑप्शन दे देते हैं, तो ये भी टीम में होने चाहिए। तैमूर अली, शाहिद और सफ़ीर तारिक, ये दो कुछ खास पिक नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ये नंबर तीन प्लेयर जो मिल रहे हैं, रईस अहमद, रौनक बनौली, शाहिद नवाज, ये अच्छा परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, और इन तीनों ही से ही आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप मिल रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो ऐमान अहमद, राहुल भाटिया को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी प्लेइंग इलेवन की बात करें, तो अभी तक हमारी ये प्लेइंग इलेवन है। आप चाहें तो इस टीम के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि प्लेयर जो हैं एक या दो प्लेयर नहीं खेलेंगे। ये भी हो सकता है कि आज सभी प्लेयर को ज़्यादा रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि आज फाइनल है, तो एक या दो ही चेंजेस होंगे। नहीं तो इससे पहले जितने भी मैच हो रहे हैं, कि हर मैच में तीन से चार या चेंजेस हो रहे हैं। अंदाज़ा है मेरा शायद आज मोहम्मद नदीम ना खेलें, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं, तो एक चेंजेस तो शायद मुझे लग ही रहा है कि नदीम ना खेलें। अगर खेलते हैं तो हमारी टीम में होंगे, क्योंकि उनके खिलाने से फ़ायदा यह है कि वो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करते हैं। तो देखते हैं फाइनल लाइन आउट आने के बाद क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।